भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। हम आपको बता दें कि रीवा भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है, जिस पर रीवा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पर पार्टी की अमानत पर खयानत करने का आरोप लगाया गया है। पत्र में यह स्पष्ट अंकित है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अपने चहेतों को पार्टी की धनराशि किस तरह से उपकृत कर रहे हैं, जिसका पूरा विवरण पत्र में है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह का संगठन में कोई सक्रिय भूमिका ना के बराबर है, सिर्फ अपने कृपा पात्रों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए संगठन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष को इस पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं, जिससे पार्टी की छवि आम जनता के बीच में खराब ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पर क्या कार्रवाई करता है। ये पत्र कई मीडिया कार्यालयों को भेजे गए हैं, हालांकि इस पत्र में कितनी सच्चाई है विराट 24 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन भाजपा में द्वंद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है, जिसमें एक धड़ा वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गोपनीय तरीके से कार्यकर्ताओं को मोहरा बनाकर पत्र प्रेषित कर रहा है। अनुशासन के लिए जानी जाने वाली भाजपा पार्टी का द्वंद अब खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खास माने जाते हैं। रीवा में भी भाजपा के दो गुट हो चुके हैं, जिसमें दूसरा गुट इनसे खासा खफा है। पूरे मामले को लेकर जब भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, शिकायत में किसी का नाम नहीं लिखा गया, मुझे भी जानकारी हुई है, हमारे संगठन में पूरी पारदर्शिता होती है और इस तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। हेलो हेलो भाई साहब, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ विराट 24 न्यूज चैनल से। जी, मैं भोपाल में मीटिंग में आऊँ। भाई साहब, एक लेटर आया है, हम लोग कार्यालय में मिला है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से लेटर लिखा गया है जेपी नड्डा जी को, और आप पर आरोप लगाया गया है कि फंड का वो गलत उपयोग किया गया है, अपने चहेतों को दिया गया चेकों का नंबर सब सहित, तो ये क्या मामला है? सब फर्जी है। तो ये पार्टी प्रति हर महीने ऑडिट होती, सब कुछ होता है, और LIP सुविधा है हमारा अकाउंट प्रदेश कार्यालय से, प्रदेश कार्यालय से डायरेक्ट देख सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी जी, ये कोई साजिश भी तो हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है। अब हो गया, कुछ लोग हैं जो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनको नहीं पच रहा तो कर सकते हैं। मैं किसको कहता हूँ यार, जानता तो इसमें किसी का नाम तो लिखा नहीं है। जी जी, तो आपको भी मिला है, आपको भी जानकारी हुई है किस तरह से किया जा रहा है? अब यार इसको मुझे कोई और कह रहा था और उसमें किसी का नाम वगैरह लिखा नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं का नाम लिखा है, समस्त कार्यकर्ता। तो समस्त कार्यकर्ता मैं अभी लिख दूं, मोदी जी के बारे में तो क्या कोई मानेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। जी जी जी, शरारती तत्वों की कुछ शरारती होंगी, कोई व्यक्तिगत का कोई काम ना हुआ होगा हमसे, या कोई अपेक्षा पूरी ना हुई होगी। जी जी, तो अब कोई कमी तो मिली नहीं हमारे 2 साल के कार्यकाल में। जी जी, संगठन में प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पे रीवा का संगठन, यह भी लोगों को पच नहीं रहा है। बिल्कुल, एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, संगठन माना जाता है, फिर भी संगठन के बीच में इस तरह की बातें आना, ये भी तो चर्चा की बात है। वो मेरा ही कार्यकर्ता है, ये मैं कैसे मान लूं, कोई भी लिख सकता है। हाँ हाँ, उसमें कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर कुछ भी नहीं है जो मुझे जानकारी है। बिल्कुल, तो ये नड्डा जी के पास तक पहुंचा है ऐसा कुछ, ऊपर से कुछ आपको ऐसा मिला निर्देश या कुछ आया है, या कि ऐसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया। चलिए ठीक है, ठीक है भाई। और अकाउंट तो हमारे यहाँ 3 लोगों के साइन होता है, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता सवाले देश का। हाँ हाँ हाँ, उसमें चेक नंबर दिया है कि कोषाध्यक्ष है उनके खाते में गया है, उमर शंकर पटेल जी के खाते में गया है, और 8-10 लोगों के खाते में है, प्रज्ञा त्रिपाठी जी का है, ऐसा कुछ करके उसमें सब में लिखे हुए हैं, नाम और डिटेल लिखा हुआ है, चेक नंबर सही डाल के दिया है। भैया कहाँ का चेक नंबर, कहाँ से उनको मिल जाएगा? जी जी, सब क्या बोलते हैं, कपोल कल्पित कल्पना है। हाँ, चूंकि ऐसी बातें अंदर के ही लोगों के मिल सकती हैं, बाहर किसी के पास तो पहुंच नहीं सकती। मान के चला जाए कोई दूसरा शरारती तत्व तो ऐसी चीजें, चेक नंबर, खाता नंबर और सबके नाम, ऐसे तो चेक नंबर सही कहाँ है? जांच की विषय, जांच की बात है, जांच की बात है ना। और अगर कोई ऐसा था तो नाम लिखता, अपना तो समझ में आता। जी जी, बिल्कुल।
है ना, वो सब रामा का है। ये है कि सौ जगह भेजो शायद कोई एक साथ मीडिया के बंधु उसको चला दे चला दे या कि छाप दे उनका तो स्वार्थ हो जाए। जी जी जी। और फिर आदमी किसको किसको सफाई देते घूमेगा। सही बात नहीं, मेरा पूछने का मतलब यही था आपके पास कि मेरे पास आई है मीडिया इतनी जिम्मेवार, अगर मीडिया ने कह दिया अजय सिंह जो तो लोग मानेंगे बात, हम किसको सफाई देने जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पर उसमें कोई तथ्य है मुझे तो नहीं लगता। जी जी। और जिसमें हमारी बैंक के LIP सुविधा है, अकाउंट हमारा डायरेक्ट प्रदेश अकाउंट से लिंक रहता है, वो यहाँ से देख सकते हैं डेली का क्या संचालन होता क्या नहीं होता है। ठीक है भाई साहब।